अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर। सो टेक आउट योर बुक एंड कम टू पेज नंबर 81। टुडे टॉपिक इज द सीजन। सीजन्स पढ़ेंगे हम। हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था सीजन्स होते किसकी वजह से हैं, रिवॉल्यूशन की वजह से होते हैं। अर्थ में जब वो रिवॉल्यूशन होता है, जब वो रिवॉल्व करता है सन के साइड अराउंड, तब वो क्या होती है, सीजन में चेंजेस आते हैं। द अर्थ इज डिवाइडेड इंटू टू इक्वल पार्ट्स बाय एन इमेजिनरी लाइन विच रन्स हाफ वे डाउन एट द सेंटर एंड इट इज एट राइट एंगल टू द एक्सिस। सन जो होता है, अर्थ जो होता है, वो टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक इमेजिनरी लाइन में डिवाइड होता है जिसे स्ट्रेट लाइन होती है, जिसे एक्सिस कहा जाता है। दीज लाइन इज कॉल्ड द इक्वेटर। ये लाइन क्या कहलाती है, इक्वेटर कहलाई जाती है। देखिए यहाँ पर दिखाया गया, ये लाइन जो होती है ये क्या कहलाती है, इक्वेटर कहलाई जाती है। द अपर हाफ इज कॉल्ड द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। जो अपर पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। एंड द लोअर पार्ट क्या कहलाता है, साउथर्न हेमिस्फीयर। द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड द टिल्ट इन द अर्थ एक्सिस कॉज चेंज ऑफ सीजन। अर्थ का जो रिवॉल्यूशन होता है और उसका जो टिल्ट होता है, थोड़ा सा वो झुका होता है, उससे क्या होता है, सीजन में चेंजेस आती है। व्हेन द नॉर्थ पोल इज टिल्ट टुवर्ड द सन, जब नॉर्थ पोल सन की तरफ झुका होता है, द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर हैज समर, तब क्या होता है, नॉर्थर्न साइड में क्या होती है, समर होती है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द साउथ पोल इज टिल्ट अवे फ्रॉम द सन, द साउथर्न हेमिस्फीयर हैज़ विंटर। जब ये नॉर्थर्न पार्ट जब सन की तरफ होगा तो साउथर्न पार्ट कब होगा, सन से दूर होता है, दूर की तरफ झुका होता है। इसकी वजह से जो साउथर्न पार्ट होता है वहाँ पर क्या होती है, विंटर होती है। इसी तरीके से सिमिलरली व्हेन द नॉर्थर्न पोल इज टिल्ट अवे फ्रॉम द सन, इट इज़ विंटर इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड समर इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। इसी टाइप से जब साउथर्न पार्ट जो होता है वो सन के साइड में टिल्ड होता है, झुका होता है, तो जो नॉर्थर्न पार्ट होता है वहाँ पर क्या होती है, विंटर होती है। देयर आर फाइव सीजन इन आर कंट्री। हमारी जो कंट्री होती है उसमें फाइव सीजन्स आते हैं। कौन कौन से आते हैं, इन बिटवीन समर एंड विंटर वी हैव ऑटम। समर और विंटर के बीच में हमें ऑटम सीजन मिलता है। इन बिटवीन विंटर एंड समर वी हैव स्प्रिंग। विंटर एंड समर के बीच में कौन सा सीजन आता है, स्प्रिंग। इट इज़ द नाइदर टू हॉट और नॉर टू कोल्ड ड्यूरिंग ऑटम एंड स्प्रिंग। जब ऑटम और स्प्रिंग का सीजन आता है, ना ज़्यादा ठंड होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है। द फिफ्थ सीजन इज द मॉनसून। फिफ्थ सीजन कौन सा होता है, मॉनसून होता है। इन दिस सीजन इट रेन्स फॉर मोस्ट ऑफ द डे एंड नाइट। मॉनसून में क्या होता है, इस सीजन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, दिन और रात बारिश होती रहती है।